तो भाई सब सभी को राम राम। केवी की नई पॉलिसी आ गई है, ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर गाइडलाइन, जो भी आप इसको बोलो। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मंथन चल रहा है। सैटरडे को आई थी, और सैटरडे को फ्राइडे को शायद इवनिंग में आई थी ये। तो पूरे दिन सैटरडे को बस स्टाफ रूम में यही चर्चा चलती रही, एक से एक बकैती होती रही। किन्हीं के चेहरे तो खिले हुए थे और किन्हीं के मायूस थे। और जहाँ देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, बस यही यही चर्चा चल रही है कि अलग अलग लोगों की राय, अलग अलग सपने हैं उनके। और देखो मेरी तो यही इच्छा है कि जो लोग अपने घरों से दूर हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएं। मैं तो खुद 1800 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, राजस्थान का हूँ और यहाँ सिंघारसी में बैठा हूँ, केंद्रीय विद्यालय सिंघारसी, जिला पाकुड़, झारखंड में। 1800 किलोमीटर है। और पूरे दिन बस एक से एक बकैती। और कई रूल्स ऐसे जो अमेंडमेंट इस बार कर दिए हैं, जैसे कि एक तो कैडर वाला कर दिया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैडर, तो उसमें कई लोग फंस गए बेचारे। जैसे एलडी के अंदर, एलडी के अंतर्गत जो प्रमोशन लिए थे और जिनके वहीं का वहीं हो गया था, उन लोगों का पुराना टेन्योर भी उसमें काउंट हो रहा है। तो वो लोग जो अपने आप को सेफ मान रहे थे पिछली एलडीई के अंदर जो लोग थे, तो अभी उनको 4 साल हुए हैं, 5 साल से पहले डिसप्लेस नहीं हो सकते। तो वो लोग बड़े आश्वस्त बैठे हुए थे, लेकिन अब उनके इंडिकेटर लग गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और मेरा भी यहाँ टेन्योर पूरा हो गया है तो शायद जाऊँगा, लेकिन मैंने तो क्या है, देखो जी, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, तहि विधि रही राम। जैसा आदमी का प्रारब्ध होता है, जहाँ जिसका दाना पानी लिखा होता है वहाँ उसको जाना ही होता है। और सरकारी सेवा है तो करनी है, राष्ट्र की सेवा और क्या है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी का अपने अपने घर के आसपास, अपने परिवार के पास हो जाए सिलेक्शन। बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं इसमें। मेरे खुद के फैमिली जो हैं वो वहीं पर है, राजस्थान में, जोधपुर में, और बच्चों के पास में 4 साल महत्वपूर्ण थे, मैं नहीं रह पाया, अकेला यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ मैं भी परेशान हूँ, वहाँ वो परेशान है, बच्चों को गाइड भी नहीं कर पाया। ऐसे मेरे जैसे कई होंगे जिनके वृद्ध माता पिता हैं और हैं। तो सबका, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि सबका अपने अपने जगह अच्छी जगह हो जाए। लेकिन जो बकेती इसको लेकर चल रही है, अभी तो देखा मैंने यूट्यूब के ऊपर, गूगल मीट चल रही है, यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसका मीटिंग कर रखी है लोगों ने, टीचर्स ने, और तरह तरह के उसके अंदर आ रहा है। कहीं कहीं कोई बोल रहा है कि ये तो पॉलिसी है, गाइडलाइन नहीं है। कहीं बोल रहा है कि इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। कुछ लोग ज़्यादा ही उत्तेजित हो रखे हैं, तो वो जो कम कर दिए हैं मार्क्स, जिनके नंबर पॉइंट कम कर दिए हैं, जैसे कि स्पाउस केस के कर दिए हैं या लेडीज़ के कर दिए हैं, तो वो भी परेशान हैं। वो अलग ही अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो भी है ठीक है, उनका होना चाहिए, मैं इसकी विरोध में नहीं हूँ। लेकिन वही है कि भाई अब सरकारी सेवा है तो जैसे है, रूल्स पोजीशन जैसी रहेगी। एक काम बढ़िया कर दिया कि एपीआर के नंबर इन्होंने इस बार नहीं जोड़ रहे हैं। एपीआर वाला मेरे खुद के एपीआर, मुझे 4 नंबर का नुकसान हो रहा है, 4 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये एपीआर के लिए कई बार बहुत वर्क एनवायरनमेंट है ना, उसमें एपीआर थोड़ा सा ये हो जाता है, एक एकाधिकार बॉस के पास हो ही जाता है। खैर केवीएस कर रहा है अब, और बड़े दिनों के बाद, पिछले साल तो आए ही नहीं थे तो सब वैसे भी निराश हो गए हम, हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, वी आर फीलिंग हेल्पलेस। अब इस बार आए हैं तो सभी केवीएस के अध्यापक मित्रगणों को, फ्रेटर्निटी को शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं, अपने अपने परिवार को ज्वाइन करें। और बाकी आनंद लेते रहिए, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट पढ़िए आप, खड़े बड़े क्रांतिकारी पोस्ट आ रहे हैं और पूरी बकेती चल रही है।